क्लास 12th मैथमेटिक्स में हमारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, तो उसका ये पार्ट 7 है। और आज की इस वीडियो में हम छठे प्रश्न के बचे हुए प्रश्नों को कराएंगे। छठे प्रश्न का मतलब जो 5-5 अंक के प्रश्न चल रहे थे, तो उसमें 2 प्रश्न बचे हुए हैं, ये देखेंगे छठे में। फिर इसके बाद में 7वां और 8वां 2 प्रश्न और रह जाते हैं 8-8 नंबर के, फिर उनको खत्म करा देंगे तो पूरा मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये देखिएगा, 2 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, 6वें का घ और 6वें का ढ। 6वें के ढ में क्या दे रखा है और 6वें का घ में क्या दे रखा है, घ देखिए, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। न्यूनतमीकरण करना है इसमें, जबकि एक्स प्लस वाई बराबर इतना, ये इतने दे रखे हैं, 2 समीकरण दे रखे हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है और ये तो आता ही आता है, सारी चीजें आती आती एक प्रायिकता का आता ही आता है, इसी तरीके का आएगा, चाहे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी, लेकिन सवाल का बेसिक वही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक 6वें का डाय, ये भी 5 नंबर का सवाल है, कितना एरिया, चलो पहले इसको ही सॉल्व करा देते हैं ताकि ऊपर का बाद में, तो पहले इसको ही सॉल्व करा रहे हैं, इसको अभी कराएंगे, पहले इसको करा दे रहे हैं फिर इसको कराएंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन क्या है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, यानी कि एक छात्रावास एक हॉस्टल है, हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें यह कहा है कि भैया 60% तो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, एक हॉस्टल में 60% बच्चे हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 40% अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, और उन्हीं हॉस्टल में 20% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। पहली प्रायिकता तो ये कैसी प्रायिकता याद करो कि कोई भी व्यक्ति ना तो हिंदी का अखबार पढ़ता है ना अंग्रेजी का पढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें दूसरा पार्ट बनाया है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता याद करो, कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है जो हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो इसकी प्रायिकता निकालो कि वो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होनी चाहिए या होती पढ़ती है, इस तरीके के 2 क्वेश्चन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, बस इसमें देखने का और समझने का तरीका थोड़ा सा बेचीदा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसको स्टार्ट करते हैं, देखिएगा यहां से हम सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन और इधर की साइड में ले जाएंगे, देखिएगा क्या दे रखा है सवाल में आपको। सवाल में दे रखा है कि भैया एक छात्रावास है जिसमें 60% हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। अब हमने 60% का मतलब ये कहां से मानी जाएगी 60%, हमने मान लिया टोटल परसेंटेज कितने हैं, टोटल स्टूडेंट उसमें कितने हैं 100 हैं, ठीक है 100% मान लिया, जिसमें से अंग्रेजी का अखबार देखिए 60% हिंदी का, हिंदी का मतलब क्या है NH, हिंदी का कितना पढ़ते हैं 60% पढ़ते हैं, 60% हिंदी का पढ़ते हैं, 60% हिंदी, H का मतलब हिंदी, 40% कैसा अंग्रेजी का पढ़ते हैं, अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश तो कितने 40% पढ़ते हैं, और 20% दोनों, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, दोनों का मतलब क्या है, दोनों, दोनों चीज कब आती थी, देखिए प्रायिकता में यदि वो कह दे कोई भी चीज कॉमन चीज है की बात करे, सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो लगाते हैं यूनियन, यूनियन बनाने का मतलब क्या है सारी चीजों को, और कॉमन चीज आ जाती है कॉमन, इसका मतलब सभी, सभी, और इंटरसेक्शन इसका मतलब होता है कॉमन, कॉमन उभयनिष्ट जो कॉमन चीज है, ठीक है कॉमन। तो ये क्या है भैया, दोनों 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कॉमन है, तो मतलब क्या है कि भैया एन कॉमन के लिए क्या लाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, यानी इंटरसेक्शन कितने 20%, समझ में आ गई बात, बस यही चीज समझने की, हमने टोटल मान ली, टोटल सैंपल स्पेस, टोटल कितने स्टूडेंट से 100, जिसमें से हिंदी का अखबार पढ़ते हैं 60%, इंग्लिश का पढ़ते हैं 40%, और अंग्रेजी और हिंदी में कॉमन, दोनों में कॉमन, दोनों पढ़ते पढ़ने वाले 20%, ओके। चलिएगा, अब यहां से हम पहले तो इनकी प्रायिकता निकाल लो, प्रायिकता निकाल लो, फिर अपने सवालों पर आ जाएंगे। पहली प्रायिकता किसकी निकालेंगे, प्रायिकता निकालने पहले हिंदी के अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अंग्रेजी का अखबार ये सॉरी हिंदी का अखबार पढ़ने वाले की प्रायिकता, यानी कि हिंदी, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले की प्रायिकता, ऐसे हिंदी में लिखना चाहो तो लिख दो, हिंदी का अखबार पढ़ते हैं 60%, टोटल अखबार, टोटल स्टूडेंट होने वाले 100%, इसमें से इतना लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले की प्रायिकता, ऐसे हिंदी का अखबार
पढ़ने वाले की प्रायिकता, तो कितनी हो जाएगी देखिएगा, टोटल कितने थे, टोटल थे 100, यहां पे फॉर्मूला बना दे रहा हूं एन एच, टोटल थे सॉरी एन एस, टोटल स्टूडेंट बट्टे एन एस, टोटल में से कितने पढ़ते हैं, तो टोटल कितने थे 100, 100 में से 60 पढ़ते हैं हिंदी का, टोटल थे 100, 100 में से 60 पढ़ते हैं हिंदी का, तो हिंदी की प्रायिकता निकल जाएगी, तो कितना 10 से 10 कट जाएगी, तो 6/10 आ जाएगी, और इसको भी 2 से काट देंगे तो कितना जाएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, तो 3/5 आ जाएगी पहली प्रायिकता। ऐसे ही अंग्रेजी का, अंग्रेजी की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला एन एस, टोटल स्टूडेंट बट्टे एन ई, अंग्रेजी का टोटल स्टूडेंट 100, 100 में से अंग्रेजी का अखबार कितने पढ़ते हैं 40 पढ़ते हैं, तो चलिएगा 10 से 10 कट जाएगी तो 4/10 आ जाएगा, और हम इसको काट देंगे 2 से तो 2 × 4 = 2 × 5 = 10, 2/5 आ जाएगी। ऐसे ही चलिएगा, ये दोनों चीज निकल आई, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब यहां से आगे का देखिए कौन सा। अब हमारे पास पहला, पहले में हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि वह ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, किसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो देखिए, ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी देखिएगा, क्या बोला है, ना तो हिंदी और ना अंग्रेजी, हिंदी का एच होता है तो हिंदी नहीं पढ़ने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी एच डैश, और ना ही अंग्रेजी, ना ही अंग्रेजी पढ़ने की, तो ना तो हिंदी ना अंग्रेजी, और दोनों के लिए, दोनों के लिए क्या बताई थी कॉमन चीज, कॉमन के लिए क्या लगाते हैं इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन ये आ गया, ना तो हिंदी का ना अंग्रेजी का, यदि कहता कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों की प्रायिकता, जैसे ये रही हिंदी और अंग्रेजी दोनों की प्रायिकता, यानी कि दोनों पढ़ते हैं हिंदी और अंग्रेजी, दोनों पढ़ते हैं तो ये चीज, ठीक समझ पा रहे हो बात को, और यदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एच डैश और ई डैश, ये चीज आ गई, ठीक है बराबर। अब इसको, इसको खोलने का तरीका होता है तो हम इसको क्या कह देते हैं, पी जो ये डैश होता है ना डैश, इनको बाहर निकाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं, इसको उलट देते हैं हिंदी, और ये इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है और ये आ जाए इस तरह से बाहर लगा देते हैं, और बाहर लगाने का मतलब होता है 1 - p h इंटरसेक्शन ई, इस तरह से लिख देते हैं, और इसका भी अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, क्या 1 - 1 - इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, 1 - इसका फॉर्मूला होता है, वे माइनस तो ये वाला आ गया, इसका फॉर्मूला होता है ph + pe - ph इंटरसेक्शन ई, देखिएगा ये फॉर्मूला होता है, ये यूनियन वाले का फॉर्मूला होता है ph + pe - ph इंटरसेक्शन ई, इंटरसेक्शन वाले का पूछते तो दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि ये वाला ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है a + b - a × b, और ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है a + b - a × a यूनियन b, इस तरह से। तो देखिएगा अब इसमें प्रोबेबिलिटी पूछेगी तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी सभी में प्रोबेबिलिटी लगा देंगे इस तरह से, तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए बस। अब ये सारी चीजें आपको पता है, आप कहोगे सर हमने तो ये चीज तो अभी निकाली नहीं, ये पी एच इंटरसेक्शन ये वाली चीज, तो ये वाली कहीं पर भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखिएगा ये कैसे निकलेगी, 1 - देखिए, तो ये देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं ये कितना है, pH की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस PE की वैल्यू कितनी है 2/5 माइनस, और ये देखिएगा ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी आपको पता है, आप जानते हो कैसे निकलती है, देखिएगा यहां से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इसी के नीचे निकाल लेना pH × e, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा n h × e / n s, तो टोटल कितने हैं, टोटल है 100,
ठीक है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अखबार पढ़ने वाले की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? टोटल स्टूडेंट बट्टे हिंदी और अंग्रेजी का अखबार कितने पढ़ते हैं? 20। तो 20 और 20 से ये डायरेक्ट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? पी एच इंटरसेक्शन ई, तो ये आ जाएगी आपकी 20 एकम 20 और 20 50 100, 1/5 आ जाएगी। तो ये कितनी आ गई? ये आपकी आ गई 1/5। ये अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिएगा मैं यहां से स्क्रीनशॉट इसको इसको हटा दे रहा हूं मैं, चलो यहीं पर सॉल्व कर देता हूं इसको, इतने नहीं सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा ये 1 माइनस, ठीक है, ये देखिएगा यहां से नीचे का 5 एलसीएम ले रहे हैं हम, तो कितना आ जाएगा? चलो यहां पर देखिए, चलो यहीं पर लाइन आएगी आपकी, ये 1 माइनस 5 हमने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस ये 5 हमने एलसीएम ले लिया। जब 5 एलसीएम ले लिया तो ऊपर वाले जोकर पे आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1, 3 प्लस 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4/5। अब यहां से भी 5 एलसीएम ले लेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा? 1/5, 1/5 ये और आ जाता। ठीक है, इतना तो सॉल्व कर ही लोगे आप, मैथ के स्टूडेंट इतना सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। पहला आंसर हो चुका है, पहला आपका आंसर हो चुका है 1/5, इसका उत्तर आ चुका है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, देखिए दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिए। हाँ, पहली चीज, दूसरी चीज इसके नीचे फिर तीसरा ये और निकालेगा, पी एच इंटरसेक्शन ई, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले की प्रायिकता इतनी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत ही जल्दी इसको कर लीजिए। चलिए ठीक, हम मिटा दे रहा हूं इसको। तो ये देखिएगा, पहले पहला पार्ट खत्म हो गया, अब दूसरा देखिएगा। दूसरा तो बहुत ही ईजी है, क्या है ये, कह रहा है पहला हो गया, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, किसका? हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने वाले की होने की प्रायिकता, यानी कि दूसरे में क्या कह रहा है कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का अखबार, क्या चीज जानते हो आप? हिंदी का, जो चीज जानेगा, जो कहते हैं वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो ई नीचे लिखते हैं, हिंदी का अखबार पढ़ती है तो ये, और अंग्रेजी का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, अंग्रेजी के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ऐसी चीजों में क्या लगाते हैं? पी ई इंटरसेक्शन एच, यानी ई इंटरसेक्शन एच, और नीचे एच है तो एच और ई है तो ई, नीचे वाला नीचे, दोनों में इंटरसेक्शन लगा दे। ई इंटरसेक्शन एच का मतलब ही होता है ये दोनों में कॉमन, मतलब ये दोनों बराबर लिख देते हो, एच इंटरसेक्शन ई और ये। चलिए अब ये अपने आप में पता है, एच ई की वैल्यू कितनी थी? 1/5, पी एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू 1/5, और पी एच की वैल्यू, पी एच की वैल्यू 3/5, ये 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया? 1/3, 1/3 इज योर आंसर, कर लीजिए जल्दी से कर लीजिए, ये इसका आंसर होगा। 2.5 नंबर का क्वेश्चन, ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, काम खत्म। चलिए जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, चलिए जल्दी से कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों में एक ही कॉन्सेप्ट है और एक ही चीज है, देखिएगा क्या है, निम्न विवरोधों के अंतर्गत न्यूनतमीकरण करो या न्यूनतम मान ज्ञात करो, या पूछेगा अधिकतमीकरण करो या अधिकतम मान ज्ञात करो, चार ही तरह से क्वेश्चन बनता है, अधिकतमीकरण करो या अधिकतम मान ज्ञात करो, न्यूनतमीकरण करो या न्यूनतम मान ज्ञात करो, सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, पहली समीकरण आपको क्या दे रखी है? पहले सॉल्यूशन करना है, हमेशा यही सॉल्यूशन करना है। पहले एक समीकरण दे रखी होगी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू इतना, तो x प्लस वाई बराबर में 8 कर लूंगा, समीकरण एक, ठीक है, समीकरण एक मान ले। अब यहां पर देखिएगा, ये देखो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0,
या जीरो से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हमेशा सभी सारी चीजों को भूल जाओ, दो समीकरण दे रखी होंगी, उन दो समीकरणों से आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखे हुए एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो पर क्या हो जाएगा, एक बार इस समीकरण में एक्स बराबर जीरो रखेंगे, एक बार वाई बराबर जीरो रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा जब एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स बराबर जीरो पर जब एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, जीरो प्लस वाई बराबर आठ, इस तरह से एक्स की जगह पर जीरो, ये वाई बराबर आठ, तो ये कितना आ जाएगा, वाई बराबर आठ आ गया, ठीक है। तो यहां से बिंदु बनेगा, बिंदु बस बिंदु बनाने हैं, बिंदु ए, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स की जगह पर जीरो और वाई की जगह पर आठ, एक बिंदु तो ये बन गया। ऐसे चलो आगे बढ़ो, फिर एक्स बराबर एक बार एक्स बराबर जीरो रखा, एक बार वाई बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो पर जब y बराबर जीरो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर आठ हो जाएगा। जब x बराबर आठ हो जाएगा तो इसका भी एक बिंदु बना लो, बिंदु तो ये b, तो b बिंदु क्या हो जाएगा, x की जगह पे आठ और y की जगह पे जीरो, ये ठीक है। अब दूसरी समीकरण ले लो, दूसरी समीकरण कितनी, तीन एक्स प्लस पांच वाई इज लेस देन इक्वल टू कितना, पंद्रह। हम इसको लिख देंगे तीन एक्स प्लस पांच वाई बराबर पंद्रह, समीकरण दो, ये समीकरण दो ले ली हमने, ठीक है। अब यहां पर फिर से वही काम करना है, x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर जीरो पर रखेंगे, ठीक है, x बराबर जब जीरो रखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस पांच वाई बराबर पंद्रह, तो y बराबर कितना हो जाएगा, पंद्रह बट्टे पांच, तो y बराबर आ जाएगा तीन। तो बिंदु क्या बनेंगे, बिंदु c, a b और ये बन गया c, ठीक है। अब वही काम जो काम आपने पहली समीकरण में करा था, कॉन्सेप्ट यही है, पहली समीकरण लिखो, x बराबर जीरो रखो, फिर y बराबर जीरो रखो, जब x बराबर जीरो रखेंगे, x बराबर इसमें जीरो रखेंगे इस वाली समीकरण में, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पांच वाई बराबर पंद्रह, तो y बराबर कितना आ गया, पांच या पंद्रह, पांच से कट गया ना ये पंद्रह तीन बार, तो इसके बिंदु कितने होंगे, x की जगह पर जीरो रखा तो y का मान कितना आया, तीन आया, ठीक है। अब फिर से चलेंगे, फिर से ओके, y बराबर जीरो, y बराबर जीरो पर जब y बराबर जीरो रखेंगे इसमें तो ये तीन एक्स बराबर पंद्रह आ जाएगा, क्योंकि ये y बराबर ये तो जीरो हो गया, जब ये जीरो हो गया तो तीन एक्स बराबर पंद्रह, अब तीन से पंद्रह काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तीन पंजे पंद्रह, ये इतना आ जाएगा, तीन से कटे तीन एकम तीन, तीन पंजे पंद्रह, तो एक्स बराबर पांच आ गया। तो बिंदु क्या बना, बिंदु ए बी सी डी, तो डी बिंदु कितने बने, एक्स की जगह पर पांच, एक्स की जगह पर पांच, ये एक्स की जगह पर पांच और ये आ गया जीरो। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या था, पहली समीकरण लिख ली, उस समीकरण में हमने क्या करा, एक बार x बराबर जीरो लगाया तो y बराबर आठ आया, बिंदु बने x जीरो को x कॉमा y लिखते हैं ना बिंदु में, तो x की जगह पर जीरो, y की जगह पर आठ, फिर हमने इसमें क्या रखा, y बराबर जीरो रखा, y बराबर जीरो पर, तो y बराबर जीरो हो गया तो x बराबर आठ आ गया, तो मतलब x की जगह पर आठ और y की जगह पर कितना लिया, जीरो। फिर दूसरी समीकरण तीन एक्स प्लस पांच वाई बराबर पंद्रह, तो x बराबर जब जीरो लेंगे तो पांच वाई बराबर पंद्रह, पांच वाई बराबर पंद्रह ऐसे समझो, सीधे सीधे पांच वाई बराबर पंद्रह, तो वाई बराबर पांती पंद्रह, तो वाई बराबर तीन आ गए, वाई बराबर तीन आ गए, तो बिंदु क्या बना, वाई की जगह पर तीन और एक्स की जगह पर, क्योंकि एक्स की जगह पर जीरो रखा, ऐसी अब फिर से वाई बराबर जीरो रखेंगे तो एक्स बराबर तीन एक्स, तीन एक्स बराबर पंद्रह, तो एक्स बराबर कितना आ गया, पांच आ गया, ये चीज आ गई, ठीक है। तो अब आपके ए बी सी डी तीन चार बिंदु बन गए, ठीक है, चार बिंदुओं को याद रखना, ए बिंदु कहाँ है, ये रहा ए बी और सी और डी, ये चार बिंदु बन गए, ओके। अब हमको क्या करना है, ठीक है, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ, तो यहां पर लिखेंगे ग्राफ, तो ग्राफ में यहां पर बना दे रहा हूं, ठीक है, ग्राफ। इसके बाद में हमेशा ग्राफ बनाना है आपको, ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखिए इतना बड़ा काफी है, ये x, ये y, ठीक है। अब ये देखो इन बिंदुओं में सबसे अधिकतम बिंदु कौन सा है, ये पांच है, ये आठ है, आठ से बड़ा देखिए एक बिंदु तो ये है, ए बिंदु में आठ, इसमें अधिकतम आठ, इसमें तीन, इसमें पांच, तो आपको आठ है ना,
तो ऐसे बिंदु बनाओ जो अष्टक पॉइंट बन जाए। अष्टक पॉइंट कैसे बन जाएंगे? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ऐसे बराबर बराबर दिखाने। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इस तरह से बन गए। ठीक है, तो इस पे लिख दो एक। यदि यहां पे 10 होते तो इसको पांच पांच का बना देते 5, यदि यहां पे 100 होते तो यहां पे 10 10 का बना देते 10 20, इस तरह से अपनी ओर से मतलब खाने बना दो जो उसमें सारे पॉइंट आ जाएं। तो यहां पर कितना, एक ये हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात, और ये वाई में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वाई, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, यदि ये यहाँ पे मान लीजिए 80 होता तो आप क्या करते हैं, इनको 10-10 का अंतर दे देते, बनाते यही खाने। लेकिन यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 80, यदि ये 40 होता तो पांच पांच का अंतर दे दो, 5 15 10 5 15 5 8 40, ऐसे इस तरीके से मतलब बनाते चले जाते। ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा, पहले देखिए ए बिंदु कहाँ है। ए बिंदु, ए बिंदु एक्स पर 0 वाई पर 8, ए बिंदु वाई पर 8, वाई पर 8, वाई 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 पर 8, तो ये आ गया ए बिंदु। बस इतना लिख दो और काफी, जरूरत नहीं है। ठीक है, और बी बिंदु कहाँ है, बी बिंदु ये एक्स पर 8, बी बिंदु एक्स पर 8, एक्स पर 8 ये आ गया बी बिंदु। ठीक है, और इससे एक रेखा इस तरह से खींच दो, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दो, ठीक है ये। ठीक, अब दूसरी आ जाओ, सी बिंदु, सी बिंदु एक्स पर 0 वाई पर 3, वाई पर 3, वाई पर 3, वाई पर 3, ये आ गया सी बिंदु, सी। ठीक है, और डी, डी बिंदु कहां है, ये एक्स पर 5, एक्स पर 5 वाई पर 0, तो एक्स पर ध्यान रखो, एक्स पर कितना है 5, एक्स पर 5, ये कौन सा है, ये डी बिंदु, ये कौन सा है, ये डी बिंदु है। ठीक है, और इन दोनों को मिला के एक रेखा खींच दो, इन दोनों को रेखा मिला के खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ये इस तरह से खींच गई। क्या इन दोनों रेखाओं ने इसके इस ग्राफ के और इस ग्राफ के अंदर एक दूसरे को काटा, कि मान लीजिए ये रेखा इस तरीके से जाती और दूसरी रेखा इस तरह से, और ये ऐसे ग्राफ होता, ठीक है, ऐसे, और ये रेखा ऐसे निकल जाती, तो क्या यहाँ पर काट गई, तो क्या इस वाई रेखा में हो सकता है कि ये यहाँ पर काट दें, तो उससे मतलब नहीं है, मतलब ये देखो क्या इसके और इसके बीच में, यानी इस रेखा एक्स और वाई के बीच में इन दोनों ने काटा, नहीं काटा कहीं पर भी ना, ये रेखा ऐसे निकल गई, ये रेखा इन दोनों बिंदुओं के बीच में, ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, नहीं, तो नहीं काट रही है, तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट होता है कटान बिंदु, कटान बिंदु। और सवाल आपके लिए बता रहा हूं मैं, यदि ये काटती तो यहां पे निकालते कटान बिंदु, क्योंकि इसने काटा नहीं, नहीं काटा तो कटान बिंदु की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या बनाएंगे, अब टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेबल। ठीक है, बस इसमें यही चीज है, ये सबसे पहले बिंदु निकालो, फिर ग्राफ, फिर कटान बिंदु, फिर टेबल, कटान बिंदु इसमें है ही नहीं। ठीक है, चलिएगा टेबल। अब देखिए, चलिए देखिए, अब इस टेबल का करना क्या होता है, टेबल का, टेबल बनाने से पहले इस ग्राफ का क्या करना है, देखिए ग्राफ में आपको डार्क करना है, डार्क करने की कंडीशन होती है, समीकरण को देखो, समीकरण पहली, पहली समीकरण कह रही है x और y ग्रेटर देन 8, ग्रेटर का मतलब अधिक, याद रखना ग्रेटर का मतलब दूर, बढ़ना, बढ़ना, ज्यादा बड़ा कर दो, बड़ा बड़ा बड़ा, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ेगा इस तरह से। ठीक है, नीचे की ओर घटेगा, कम का मतलब नीचे की ओर और अधिक का मतलब ऊपर की ओर, ये तो आप जानते ही हो। तो ये क्या है, ग्रेटर देन एक्स और वाई ग्रेटर देन 8, यानी 8 से बड़ा, ये पहली समीकरण, पहली समीकरण कौन सी थी, इससे बिंदु बने थे ए और बी, ए और बी से ग्राफ किधर की ओर जाएगा, डार्क ऊपर की ओर, क्योंकि ये बड़ा कह रहा है, ये बड़ा, इस तरह से आपका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, समझ पा रहे हो बात को, ये ऊपर की ओर चला गया। ओके, ठीक है, अब दूसरी चीज, दूसरी समीकरण क्या है, नीचे देखिए, इसका जितना मुंह बंद होता है उधर का मतलब छोटा, ऐसे लिखा हुआ है कि ये बड़ा और ये छोटा, तो इधर की ओर कितना आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है छोटा, ये नीचे की ओर, इस वाली समीकरण से कौन से बिंदु बने थे, सी और डी बने थे, सी और डी से नीचे की ओर, क्योंकि ये छोटा तो नीचे की ओर, ये डार्क इस तरह से होगा, तो मतलब क्या है, ये इस तरह से डार्क होगा, यानी यहां तक डार्क होगा। तो जब भी कभी भी इस तरीके की कंडीशन बने,
ये ऊपर की ओर ये नीचे की ओर, तो मतलब इसके बीच एक बीच का हिस्सा तो डार्क हुआ ही नहीं। जब बीच का हिस्सा डार्क नहीं हो तो कह सकते हो कि ये सवाल सुसंगत नहीं है, ये समीकरण सुसंगत नहीं है, इनका हल सुसंगत नहीं है, इनका हल नहीं हो सकता, सवाल अपूर्ण है, क्योंकि ऐसे कोई बिंदु मिलेंगे ही नहीं जो इनको डार्क कर दे, इन दोनों समीकरणों को संतुलित कर दे यहां से यहां तक। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें बस थोड़ा सा अंतर कर दिया जाए सवाल में, तो सवाल हो जाएगा। कैसा अंतर वो भी मैं बताऊंगा, बस एक ही चीज का अंतर है, इनका इनका अंतर है, इनका अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल बनेगी नहीं, टेबल बनेगी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जीरो इनके इनसे लेकर चलेंगे हम। टेबल देखिए कैसे बनेगी, टेबल बनेगी आपकी इन दो बिंदुओं के बीच में बनेगी, ओ सी डी, ओ सी डी के बीच में टेबल बनेगी इस तरह से। कितने बिंदु, ग्राफ जो टच होगा वो इनके बीच में हो रहा है ग्राफ टच, तो ग्राफ किसके बीच में, ये यहां पे लिख देंगे बिंदु, और यहां पे लिख देंगे जेड बराबर कौन सी समीकरण है, 3x+2y। तो ये हो क्या जाएगा, पहला बिंदु, तो ये दो बिंदु बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ओ 0.0 यहाँ पर, फिर ये सी 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 बिंदु कौन सा था, सी 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 ये रहा 0.3, सी बन रहा था 0.3, और एक डी बन रहा था कितना 5.0। ये यदि मैं यहाँ पे 0.0 रखूँ तो जेड बराबर 0 आ जाएगा, और यदि मैं ये रखूँ 0 रखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 6 आ जाएगा, और यदि यहाँ पे मैं 5 × 5 = 15, जेड बराबर 15 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो इनमें सबसे कम जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 0 आ रही है, न्यूनतम मान तो 0 आ रहा है, और ये न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान जो है न्यूनतम, तो ये जो न्यूनतम है ना, ये 0 कभी काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि भाई 0.0 पर तो न्यूनतम होगा ही। इन और ये और समीकरण इसमें टच होती तब हम इस टेबल को बनाते हैं, लेकिन इस टेबल को इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें 3 बिंदु 0 भी काउंट किया जा रहा है। जब 0 काउंट किया जाएगा तब हम इसको नहीं मानेंगे। यानी कि कुल मिला के बाद इतना ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं रखना है आपको। सिंपल तरीके से क्या प्रेशर रखना है कि जब ऐसे और ऐसे ग्राफ आ जाए तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे और इसका उत्तर लिख देंगे, इसका हल समीकरणों का हल सुसंगत नहीं है, या समीकरण सुसंगत नहीं है, इनका हल यानी कि सवाल में कैसा है, सवाल अपूर्ण है, ऐसा लिख दीजिए बस। ठीक है, इन समीकरण इन रैखिक, ये रैखिक असमीकाएं होती हैं, इनका हल नहीं है। ठीक है, इनका हल नहीं हो सकता, ऐसे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो और देखिए इसका मैं एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए लिख देना, इस निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत ऐसे लिख दीजिए, निम्न या उपरोक्त, उपरोक्त लिख दीजिए, उपरोक्त उपरोक्त विरोधों के अंतर्गत इसका हल नहीं हो सकता, ऐसे लिख दीजिए, या आप लिख सकते हो समस्या का हल सुसंगत, जब कभी भी ऐसे और ऐसे बने तो उसमें ये दो लाइन लिख सकते हो आप, या तो ये या ये वाला, समस्या का हल सुसंगत नहीं है। ठीक है, अब सुसंगत बन कैसे सकता है, देखिए मैं दो सवाल आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मॉडल में, ये देखिएगा, ये मॉडल में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए इस डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, ये तो आपका ये सवाल पुराना है जो बोर्ड 2019 में आ चुका है, NCERT के एग्जाम्पल में दे रखा है ये वाला सवाल। ठीक है, और ये आपके उसमें भी दे रखा है मॉडल पेपर में भी। ठीक है, चलिए आगे की बात करता हूं मैं, इसका ही एक दूसरा सेम टू सेम सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर दिया है। देखिएगा ये बोर्ड पर ये भी आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, ये देखिएगा इसमें क्या अंतर है, ये 2020 में आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, ये मॉडल पेपर में दे रखा है, ये आपका आ चुका है। सेम समीकरण यही है, इसमें भी न्यूनतम मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x+2y x+3y यहाँ पे लिखा हुआ है, x+3y का मान निकालना है आपको, और यहाँ पर ये जो समीकरण है ये यहाँ पर बदली हुई है, ये इस तरह से आपको दे रखी है, और ये वाली समीकरण कर रखी है इस तरह से, बिल्कुल सेम टू सेम आपको करना है। देखिएगा अब सवाल में क्या चेंज आएगा, ग्राफ से चेंजिंग आएगी, ग्राफ से चेंजिंग आएगी, देखिएगा ग्राफ
बस ग्राफ से चेंजिंग आगे जाके यहां तक तो बाकी सब कुछ सेम है। यहां से आगे देख लीजिए इसका न्यूनतम मान कैसे निकलेगा, वो भी आप सीख लो। देखिए कैसे निकालेंगे आप। अब यहां से पहले ग्राफ देखिए, ये चीज तो यहां तक सेम टू सेम रहेगी, ये चीज भैया पहली समीकरण जो कहता हूँ ये भी ऐसे ही है, लेकिन बस यहाँ पर बस ये सॉल्व करने का तरीका बस ये समीकरण ऐसे लिखी जाएगी, ये आ गया और ये वाली समीकरण इस तरह से लिखी जाएगी, बाकी कुछ नहीं है। एक बार वाई बराबर एक्स बराबर जीरो लेंगे तो ये वाई बराबर आठ, फिर एक्स वाई बराबर जीरो लेंगे तो एक्स बराबर आठ, ये दो बिंदु बने, फिर एक्स बराबर जीरो लेंगे तो पांच वाई बराबर पंद्रह तो वाई बराबर तीन, ये आ गया। और एक बार वाई बराबर जीरो लेंगे इसमें तो ये तीन एक्स बराबर पंद्रह, ये चीज आ जाएगी। तो ये चीज समझ में आ गई, बिंदु बन गए। अब ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही काम करना है आपको, करना तो वही काम है, ठीक है। ये देखिएगा ये एक्स और ये वाई, अब ग्राफ बना लो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये बन गए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये। तो पहला बिंदु कौन सा है, ये ए बिंदु जीरो कॉम आठ यानी एक्स पर आठ, ये ए बिंदु बन गया आपका ए बिंदु। देखिए अब बी बिंदु कौन सा है, सॉरी ये वाई पर आठ था, वाई पर आठ सॉरी वाई पर आठ, ये बिंदु यहाँ पर है, ठीक है ए बिंदु। और बी बिंदु कौन सा है, ये एक्स पर आठ, ये बी बिंदु बन गया। इन दोनों को आप मिला दीजिए इस तरीके से मिल गया। अब ऐसे ही सी बिंदु, सी बिंदु जीरो कॉमा तीन यानी वाई पर तीन, ये सी बिंदु बन गया, यहां पर क्या है ये सी बिंदु है, और वाई पर एक्स पर पांच, एक्स पर पांच, एक्स पर पांच, ये बी बिंदु, और इन दोनों को मिला दीजिए इस तरह से। अब देखिए ये इस एक्स और वाई के बीच में काट रहा है तो कटान बिंदु तो इसमें है नहीं, कटान बिंदु हम नहीं निकाल रहे हैं, कटान बिंदु है ही नहीं, चलिएगा। अब ग्राफ को डार्क करेंगे और टेबल बनाएंगे, पहले ग्राफ को देखो ग्राफ कैसे डार्क किया जाएगा, ग्राफ को डार्क करना सीखो, यही चीज तो कॉन्सेप्ट था इसमें, पहला समीकरण यानी कि ये कम एक्स और वाई आठ से कम, कम यानी नीचे की ओर, कम लेस देन लेस नीचे की ओर, इस वाली समीकरण से नीचे की ओर, पहली समीकरण के बिंदु ये थे, इन दोनों से नीचे की ओर ग्राफ जाएगा, नीचे की ओर इस तरह से नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर चला गया, ओके ठीक है। और दूसरी वाली समीकरण से ऊपर की ओर देखिए, ग्रेटर देन ये बड़ा, ये ऊपर बड़ा बड़ा ऊपर करो, ऊपर बड़ा बड़ा कर दो इसको, इस वाली समीकरण सी और डी से ऊपर की ओर, सी और डी से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर इस तरह से। तो ये दोनों के दोनों डार्क कहां पे करेंगे ग्राफ को, देखिएगा ये दोनों के दोनों, देखिए ये ऊपर ये नीचे दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो इसके बीच में क्या डार्क हो गया, ये वाला डार्क हो गया, ये पूरा ये वाला डार्क हुआ है, ठीक ये वाला। तो ये डार्क कहां से कहां तक हुआ है, ये वाला हिस्सा यहां से डार्क हुआ है, ठीक है ये वाले चार बिंदुओं के बीच में ये डार्क हो गया, ये इन दोनों के बीच में ये डार्क हो गया, ये वाले बिंदु, ठीक है बस ये बिंदु आपको चाहिए होते हैं ये। तो अब कटान बिंदु तो इसमें है नहीं, चलिएगा तो अब सीधे सीधे क्या बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनती है, टेबल सिंपल सा फंडा है टेबल का भी, ये देखिएगा टेबल ले लो बन गई टेबल, यहां पे लिखेंगे बिंदु और यहां पे लिखेंगे जेड बराबर, कौन सी समीकरण है ये एक्स प्लस तीन वाई, एक्स प्लस तीन वाई। अब देखिए इसमें कितने बिंदु हैं, एक तो ए आ रहा है ए, तो ए आ गया, ए बिंदु कौन सा है जीरो कॉमा, फिर बी बिंदु है ये वाला बी, बी आठ कॉमा जीरो, फिर सी बिंदु है सी 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 सी, देखिए ये वाला ए बी ये वाले और ये डी, डी वाला बिंदु या सी वाला बिंदु लिख दो, डी वाला लिख दो पहले, ऐसे ऐसे इस ग्राफ के बीच में आ रहा है ना डी, डी कौन सा है, डी है आपका पांच कॉमा जीरो, और सी सी है आपका ये वाला सी, सी है जीरो कॉमा डी। चलिए अब ये जेड बराबर वैल्यू निकालिए, जब मैं यहां पर एक्स की जगह पर जीरो रखूंगा तो वाई की जगह पर आठ, आठ किया ये हो जाएगा चौबीस, ये जेड बराबर, ये आठ रखूंगा तो यहां पर आठ आ जाएगा, और जेड बराबर
यदि मैं यहाँ पर 5 रखूंगा x की जगह पर तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर यदि मैं 3 रखूंगा तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर 0, यहाँ पर 3 रखूंगा 3 3 9, z बराबर 9। तो न्यूनतम मान कौन सा रहा, इनमें न्यूनतम कौन सा रहा, न्यूनतम रहा ये 5, दिस इज आंसर, ये हो जाएगा न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। तो ये न्यूनतमीकरण हो गया। तो यहां पर लिख देंगे कि यहां पर ऐसे लिख देंगे बिंदु, यहां पर नीचे इसकी लाइन से नीचे की लाइन में लिखना बिंदु कौन सा है, डी, तो आप लिख देंगे बिंदु डी, डी का मान कितना है 5.0, 5.0 पर जेड का न्यूनतम, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कितना आया है 5 है। ये इस तरीके से इसका उत्तर लिख दिया जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई, तो बस यही सवाल होते हैं और यही इसमें कॉन्सेप्ट है, यही चीज आप सीख गए तो बाकी कुछ नहीं है। तो जेड का न्यूनतम मान कितने बिंदु पर है, या बिंदु डी पर जेड का न्यूनतम मान 5 है, या न्यूनतम मान जेड का, ऐसे भी लिख सकते हो यदि ये भाषा नहीं लिख पाओ आप, तो लिख दीजिए जेड का न्यूनतम मान बिंदु डी पर 5 है। बिंदु डी, डी का वैल्यू भी लिख सकते हो 5.0 5.0, इस तरह से बात वही आनी है। चाहे तो ये थ्योरी लिख दो, आप कहो सर हमको कौन सी लिखे, ये वाली लिखना बिंदु डी पर जेड का न्यूनतम मान 5 है, बस बात खत्म, इसको लिखो ही मत, इसको मैं लिखवाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका उत्तर कितना आएगा, न्यूनतम मान 5, क्योंकि अधिकतम पूछ ले तो अधिकतम मान 5 है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, वो इसका सॉल्यूशन, आपको समझ में आ गया, दिखाई दिया बोर्ड पर सारी कुछ क्लियर हो गई बातें। चलिएगा तो एक सवाल और मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा हूँ, उसको करना, आपको सॉल्व करना, ठीक है। चलिएगा, एक प्रायिकता वाला भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, दोनों डिस्प्ले पर दिखाई देंगे, उनको कर लेना। अब केवल 8-8 नंबर के सवाल रह गए, 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न, बस 2 सवाल और रह गए, 2 सवाल आपको करा देंगे, जल्दी से काम खत्म, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ सब्सक्राइब, तब तक के लिए बाय बाय, जय।